वो लाने के बाद डॉक्टर सारा से बात कर लेना। बाबूजी हाँ, आप घर में ही है ना, नहीं कहीं बाहर मत जाना। ठीक है, एक काम करता हूँ, डॉक्टर सारा मैडम को अभी फोन कर लेता हूँ, नहाने के बाद भूल गया तो। कट हो गया कि उन्होंने काट दिया? लगता है बिजी है। चलो नहाने के बाद ही फोन करता हूँ। अरे लेकिन मैं नहाने गया, उनका फोन आया तो थोड़ी देर राह देखता हूँ। पहले उनका ही मैसेज आ गया, आधे घंटे बाद धूम पे मिलते हैं। अरे वाह, चलो थैंक यू, ओके। अरे आधा घंटा तो हो गया, सारा मैडम ने अभी तक धूम का पिन नहीं भेजा। आ गया आ गया। गुड मॉर्निंग जेठालाल जी। गुड मॉर्निंग सारा मैडम, गुड मॉर्निंग। सुंदर है? सुंदर नहीं, सुंदर या नहीं है, वो तो अहमदाबाद रहता है ना? आप जानते हैं सुंदर को? कौन सुंदर? मेरा साला। अरे नहीं नहीं, मैं उस सुंदर की बात नहीं कर रही, मैं तो उस झूले की बात कर रही हूँ जो आपके पीछे है। ओ अच्छा अच्छा, थैंक यू। अच्छा है ना, वैसे ये झूला भी मेरा साला जो सुंदर है उसने ही भेजा है गुजरात से। इट्स ब्यूटीफुल। आपको चाहिए तो आपके लिए भी मंगा देता हूँ, लॉकडाउन के बाद आ जाएगा गुजरात से। अरे नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। अच्छा बताइए, आपको नींद बराबर आई? अरे सारा मैडम क्या बताऊं, नींद तो ठीक से आ गई, लेकिन आज सुबह फिर से अजीब सपना आया। सपनों ने तो मुझे सच में परेशान कर दिया, समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। जेठालाल जी, मैंने आपको जो इंस्ट्रक्शंस दी थी आपने उन पे अमल किया? सब अमल किया मैडम। आपने बोला कि सोने से पहले मोबाइल से दूर रहना, तो मोबाइल को मैंने हाथ भी नहीं लगाया, फिर टीवी मत देखना तो टीवी भी नहीं देखा। फिर भी मुझे अजीब सपना क्यों आया मैडम? देखिए कोई भी प्रॉब्लम एक दिन में सॉल्व नहीं होती, टेंशन मत लीजिए। मैं तो चाहता हूँ मैडम कि मैं बिल्कुल टेंशन ना लूं, लेकिन ये अजीब अजीब सपनों की वजह से अपने आप टेंशन हो जाता है। अच्छा बताइए क्या सपना देखा आपने? ओ हाँ, सपने में मैंने देखा कि ओ देखो, मेरी मानो तो कल आप लोग गोकुलधाम सोसाइटी से बाहर ही मत निकलो, क्योंकि आंदोलन शांतिनगर में है। शांतिनगर में आंदोलन है और तूने मुझे बताया नहीं? पापा जी मुझे भी कल रात को ही पता चला, हम सोडा शॉप पे बैठे थे ना तभी। अब्दुल भाई आप चाय पत्ती लेकर आए नहीं घर पे? चाय की पत्ती दुकान पे खत्म हो गई। आपने मुझे आज ब्रेड भी नहीं दिया अब्दुल भाई। ब्रेड दुकान पे आया है नहीं? अब ये मत बोलना कि बटर भी नहीं है। दुकान से किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों, आज किसी को कुछ नहीं मिलेगा? ओ आंदोलन के चलते हुए रोज के सामान की डिलीवरी हुई नहीं आज। ये आंदोलन की वजह से सारे रास्ते जाम कर दिए हैं, इतनी तोड़फोड़ कर दी है, एम्बुलेंस को जाने के लिए भी रास्ता नहीं दे रहे थे। ये गलत, बहुत गलत, और गलत हो रहा है ये देखते हुए भी आंखें मूंद लेना, उससे भी ज्यादा गलत। ऐसे बढ़ते हुए लोगों को समझाना चाहिए। पर उन्हें समझाएगा कौन? मैं जाकर उन लोगों को समझाऊंगा कि वो लोग जो कुछ भी कर रहे हैं ना वो गलत कर रहे हैं। मेरे घर पे जाके देखो ना भाई, पापा जी घर पे ही है ना? अरे चाचा जी घर पे नहीं है क्या? शांतिनगर में जो आंदोलन चल रहा है वहाँ पर है। जेठालाल जी एक बात बताइए, क्या आपके पिता के बारे में कोई ऐसी बात है जो आपको बहुत परेशान करती है? जी है ना। कौन सी बात? उनका बार बार खो जाना। What? हाँ, एक बार हम लोग हांगकांग गए थे सब सोसाइटी से मिलके वहाँ घूमने के लिए, तो वहाँ से वापस आए तो एयरपोर्ट से घर आते आते खो गए। इस तरह वो कुछ दो तीन बार खो चुके हैं, इसलिए आज का ये सपना देखने के बाद मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। कभी ये लॉकडाउन के टाइम में कहीं वो बाहर चले गए और खो गए तो मैं उनको कहाँ कैसे ढूंढूंगा। जेठालाल जी आप इतना डरिए मत, वो सिर्फ एक सपना था। अमर ऐसे सपने मुझे आते ही क्यों है? मैंने आपको कसरत और योग करने को कहा था और आपने मुझे कहा था कि आप कोशिश करेंगे, तो आपने कोशिश की? नहीं मैडम, वो तो मैं नहीं कर पाया हूँ। वो क्या है कि आज सुबह तो सपने की वजह से मैं एकदम डर के झटके से जाग गया ना, तो उसके बाद से तो मैं एकदम टेंशन में ही हूँ, तो फिर वो करने का याद ही नहीं आया। कोई बात नहीं, पर आज आप जरूर योगा करना। नहीं, आपकी बात बराबर है मैडम कि ये योग करना शरीर और मन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे थोड़ा वो जमता नहीं है। क्या है कि वो शरीर को आड़ा तिरछा टेढ़ा मेढ़ा करना थोड़ा थोड़ा तकलीफदायक होता है मेरे शरीर के, वो मैं नहीं कर पाता हूँ। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ दो आसन करिए,
बालासन और शवासन। ये एकदम सिंपल आसन है और इन्हें करने में आपको कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, बताइए कैसे करते हैं। जेठालाल जी, मोबाइल पे आपको करके दिखाना थोड़ा मुश्किल होगा। आप एक काम करिए, बबीता से पूछिए, उन्हें सारे आसन आते हैं, वो आपको सिखा दे। जरूर जरूर, ओके ओके मैडम, ओके। तो मैं बबीता जी से सीख लूंगा ये, ठीक है। वेरी गुड। और हाँ, एक और बात, आप प्लीज मुझे अपने बेडरूम का एक वीडियो भेजिए, मैं उसे देखकर पता करती हूँ कि वहाँ कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिसकी वजह से आपको ये बुरे सपने आ रहे हैं। ठीक है, मैं वो भी वीडियो आपको भेज दूंगा अभी के अभी। और मैं उसे देखकर स्टडी कर ठीक रात 8:30 आपसे बात करूंगी। ओके ओके मैडम, ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू। और हाँ जेठालाल जी, याद रखना, बालासन और शवासन करना है और टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। जी जी जी, जरूर जरूर, कोशिश करूंगा जरूर। थैंक यू मैडम, थैंक यू, बाय। सारा मैडम ने बबीता जी का सुझाव बहुत बढ़िया दिया, अभी उनके घर जाकर शवासन और बालासन दोनों सीख लेता हूँ। हाँ, लेकिन पहले उनको हाँ वो वीडियो भेजना है, वो भेज देता हूँ। ये मेरा बेडरूम है सारा मैडम। ये जहाँ मैं सोता हूँ वो पलंग है, ये कारपेट है, चलो हो गया वीडियो, अभी इसको डॉक्टर सारा को सेंड कर देता हूँ। सेंड, चलो अभी फटाफट बबीता जी के घर जाके उनसे वो मस्त दो योगासन सीख लेता हूँ। जेठिया, हाँ बाबूजी, हाँ जेठिया, और डॉक्टर से बात हो गई? हो गई बापूजी, हो गई। उन्होंने वो बेडरूम का वीडियो भेजने को बोला था, वो भी बना के भेज दिया। क्यों, वीडियो क्यों? नहीं, उनको देखना था कि बेडरूम में ऐसी कोई चीज तो नहीं है जिसको देख के मुझे अजीब अजीब सपने आ रहे। बाबूजी, मैं जरा बबीता जी के घर जाके आता हूँ। अरे बबीता बेटी के घर क्यों? वो डॉक्टर सारा ने मुझे एक दो योगासन करने को बोला है बापूजी, तो वो सीख के आता हूँ। तो योगासन तो मुझे भी आता है, चल मैं सिखाता हूँ। आप? हाँ मैं। क्या हुआ? आप कहाँ तपलीक ले रहे हो बापूजी, वो बबीता जी सिखा देंगे ना। अरे योगासन सिखाने में क्या तकलीफ देते है? नहीं, बराबर है, लेकिन आप आराम करो ना बापू जी, वो सिखा देंगे बबीता जी। अरे लेकिन क्यों, बबीता बेटी से ही क्यों, मुझसे क्यों नहीं? तुझे क्या लगता है मुझे योगासन ठीक से नहीं आता है? अरे मुझे शीर्षासन करना भी आता है। नहीं, उसमें कोई शक ही नहीं है बापू जी। अरे आप तो बापू जी, आप बहुत होशियार है, आपको सब कुछ आता है। लेकिन ओ डॉक्टर सारा मैडम ने वो दो स्पेशल योगासन करने को बोला है, और वो बबीता जी को ही आते हैं, इसलिए मैं जा रहा हूँ वहाँ सीखने। अच्छा, हाँ, और दूसरा क्या है बापू जी, मैंने उनको बोल दिया है कि मैं आ रहा हूँ, अभी बोल के नहीं जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। नहीं बराबर, हाँ इसलिए। हाँ तो चल मैं भी आता हूँ। कहाँ? बबीता बेटी के घर। क्यों 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 बापू जी? अरे मैं भी वो दो स्पेशल आसन सीख लूंगा ना। तो मैं सीख के यहाँ आके आपको सिखा दूंगा ना। लेकिन मैं तेरे साथ हूँ, उसमें तुझे तकलीफ क्या है? नहीं बापू जी, कैसी बात करो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, वो अय्यर भाई को तकलीफ है। तो उसे क्या तकलीफ है? अरे वो बहुत मानते हैं ना, वो उसमें वो सोशल डिस्टेंसिंग में, उसमें तो क्या है, वो दो उधर है, हम दो जाएंगे तो एक ही वो जगह में 4 जन हो जाएंगे, तो फिर वो सब वो मुश्किल हो जाएगा ना। नहीं बराबर, ठीक है तू जा और बराबर सीख के आना। जी जी बापू जी, जी अरे बापू जी, आप घर में ही रहना, कहीं बाहर मत जाना। अरे भाई जेठिया, फिर से वही बात। अरे सुबह एक बार तूने मुझे बोला ना कि बापू जी बाहर मत जाना, अभी बार बार क्यों बोल रहे हैं? बापू जी मुझे डर है कहीं मेरा सुबह का सपना सच न हो जाए, इसलिए। भाई तू जा तो है तो जाने भाई, देख तू ऐसे बार बार परेशान करेगा ना तो मैं सच में कई बार चला जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 बाबू सॉरी, तो जाना भाई। आप घर में रहे, मैं आता हूँ अभी आता हूँ। ओके बाबू जी, जा।
चलो सीजर स्टेप्स फास्ट पॉप स्क्वाट्स कम ऑन 10 मोर सेकंड्स अय्या चलो पर्दा आई एम वेरी टायर्ड अब मैराथन नहीं होगा अय्या अभी तक ये बॉल वाला एक्सरसाइज है बाकी है कम ऑन करते हैं मम्मी तो रियली वेरी टायर्ड चलो ना यार हो जाएगा कम ऑन कम ऑन कम ऑन वन लास्ट 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 एक्सरसाइज मुझे कम ऑन ओके पास लास्ट 10 सेकंड्स 10 9 8 7 6 फास्ट 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 5 4 3 2 1 come on अभी तो ये घर में मेरे को वर्कआउट करने का कुछ मजा ही नहीं आता कब ये लॉकडाउन खुलेगा और कब हम लोग बाहर जाकर वर्कआउट करेंगे सीरियसली हां किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा भी टाइम आएगा सपने से याद आया कि जीजा जी के साथ आज हमारी बात नहीं हुई पता नहीं वो कल रात को अच्छे से सोए भी कि नहीं अरे बबीता उसको बहुत अच्छा नींद आया होगा वरना अभी फोन आ जाता अच्छा मैं पानी पी के आती हूँ किसने डोरबेल बजाया यार भाई कितने डरपोक है आप जेठा लाल कैसे बच्चे के जैसा मजाक करता है तुम अरे पिछली बार आपने पहले मजाक किया तो इस बार मैंने सोचा चलो पहले मजाक मैं करता हूँ जेठा लाल लॉकडाउन चल रहा है इतना स्ट्रेस है उस पे तुमको मजाक सूझता है अरे यार भाई स्ट्रेस में तो खास मजाक करना चाहिए स्ट्रेस में मजाक करेंगे तभी तो स्ट्रेस जाएगा ना तुम कभी नहीं सुधरेगा फिर वही बात कल मैं आया था तभी सेम आपने ऐसा बोला था तभी याद है ना मैंने क्या बोला था अरे भाई सुधरना ओके 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 बोलो क्या काम है नहीं आपसे कोई काम नहीं है मुझे जरा बबीता जी का काम है बबीता घर पर नहीं है क्या बबीता जी बाहर गए यार भाई लॉकडाउन चालू है लॉकडाउन में बबीता जी कहाँ गए आपने रोका नहीं उनको अरे कैसे पति है आप जेठा लाल बबीता सोसाइटी का बाहर नहीं गया है वो माधवी भाभी से मिलने गए अरे जेठा जी आप अरे बबीता जी आप यहाँ यार भाई आप बबीता जी अभी यार भाई ने मुझे क्या बोला पता है कि आप घर में नहीं है बाहर गए अरे क्यों यार मजाक कर रहा था बबीता में मजाक कर रहा था क्या जेठा लाल तुम मेरे साथ मजाक कर सकता है तो क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकता आप दोनों भी ना जेठा जी बैठिए जेठा लाल तो सैनिटाइज करना बाकी है अरे यार भाई वो सब मैं घर पे करके आया हूँ भाई मेरे पास एक नया चीज है और आई एम श्योर वो तुमने नहीं किया होगा अभी नया आइटम क्या लाए अब यूवी गन केवी गन केवी नहीं जेठा लाल यूवी गन अल्ट्रा वायलेट गन यार भाई आप साइंटिस्टों के ऐसा जानलेवा हथियार रखते हैं आपको पता तो है ना भाई कि हमें बीमारी को दूर करना है बीमार को नहीं जेठा लाल ये असली वाला गन नहीं है वो बैक्टीरिया को मारने वाला गन है एक मिनट बताता हूँ तुम इधर ही खड़े रहो जेठा लाल हाथ ऐसा करो ऐसा अभी पीछे घूम जाओ ऐसा घूम जाओ ए वो एयरपोर्ट में होता है ऐसा है कुछ ले है क्या वैसा ही है तो मजा क्या आ रहा है आपको इसमें हंसी क्या आ रही है ओके आइए जेठा जी बैठिए आइए हो गया ना भाई हाँ हो गया अरे अच्छा था बढ़िया था ये कुछ पता नहीं चला एकदम इजी सोशल डिस्टेंसिंग में और बताइए जेठा जी कल रात को आपको अच्छी से नींद आई हाँ नींद तो अच्छे से आ गई लेकिन अजीब सपना भी साथ में आया ओह, तो डॉक्टर सारा ने आपको जो जो कहा था आपने वो सब कुछ फॉलो किया था आई एम श्योर बबीता जैसा डॉक्टर सारा ने बोला होगा ना वैसा जेठालाल ने किया ही नहीं होगा देखो जेठालाल
तुमको अगर जो ठीक होना है ना तो जैसा डॉक्टर ने बोला है वैसा ही करो। अरे किया यार भाई, जैसा उन्होंने बोला वैसा ही सब मैंने किया, फिर भी मुझे सपना तो आया ही, और वो भी पहले से ज्यादा डरावना। तो क्या डरावना सपना देखा? बताता हूँ बबीता जी, मैंने सपने में देखा कि हमारे शहर में आंदोलन छिड़ गया है और उसकी वजह से दंगे होने लगे हैं और चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। पुलिस ने जगह जगह नाकाबंदी करके रखी है और वो माइक पे बार बार अनाउंस कर रहे हैं कि कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन फिर भी बापू जी हमारे घर से बाहर जाते हैं वो दंगा करने वालों को समझाने कि भाई ऐसा मत करो। जेठा जी, हम आपका सपना तो बहुत ही अजीब है। तो हाँ, पहले पुलिस वालों को बंद कर दिया, फिर चाचा जी को दंगे में बता दिया। जेठालाल, ऐसे डरावने सपने तुमको आते कैसे हैं? पर जेठा जी, आप इतना टेंशन लेते क्यों हो? अभी टेंशन तो होगा ना बबीता, कहीं जेठालाल का सपना सच हो गया तो, चाचा जी सच में घर के बाहर चले गए तो। अरे शुभ शुभ बोलो यार भाई। बबीता जी, ये जेठा जी आपको फिर से ऐसा डरावना सपना आया, वो आपने डॉक्टर सारा को बताया? हाँ बताया ना, मैंने उनको बताया तो उन्होंने इस बार कुछ दो नए उपाय बताए हैं। उन्होंने बोला कि आप अभी इस बार वो शवासन और बालासन, ये दो आसन करके देखो। ओह नाइस। हाँ एक्चुअली ये आसन से स्ट्रेस भी दूर होता है और नींद भी बहुत अच्छी आती है, आपको इनफैक्ट रोज ये करना चाहिए। नहीं नहीं तो बराबर है, लेकिन कैसे करूँ, ये आसन मुझे आते नहीं है, इसलिए मैं आपके पास वो सीखने आया हूँ। अरे वो तो मेरे को भी आता है, मैं तुमको सिखा देगा। नहीं सॉरी यार भाई, आप नहीं सिखा सकते। क्यों? अभी थोड़ी देर पहले आपने ही बोला ना भाई कि अगर तुम्हें ठीक होना है तो जैसा डॉक्टर ने बोला है वैसा ही करो। अभी ये डॉक्टर सारा मैडम ने मुझे बबीता जी से आसन सीखने को बोला है, अभी आप मुझे सिखाएंगे, कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं रिस्क नहीं ले सकता। जैसा डॉक्टर ने बोला है मैं वैसा ही करूंगा, है बराबर ना बबीता जी? ओके कोई बात नहीं, आइए मैं आपको सिखाती हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले बालासन सिखाती हूँ। ओके ओके। तो बालासन शुरू करने से पहले हमें वज्रासन में बैठना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, तो आप देखिए मैं कैसे बैठती हूँ और आप मुझे फॉलो कीजिए। आइए बैठिए। अरे बाप रे, पैर को इस तरह मोड़ के तो मैं कभी नहीं बैठा हूँ, ये तो कठिन हो जाएगा। जीना जी आइए बैठिए ना। जीना जी ऐसे आप देखिए मैंने कैसे अपने पैरों को रखा है, ऐसे बैठना पड़ेगा। अच्छा पर भाई ये ठीक है ना, ये मुझे जम रहा है ऐसे। नहीं नहीं जम रहा है वो ठीक है, पर ये गलत है, आप ऐसे नहीं बैठ सकते, आपको ऐसे ही बैठना पड़ेगा। अच्छा पैर ऐसा वो करना पड़ेगा। हाँ हाँ ट्राई कीजिए ना, इट्स ओके, हो जाएगा, देखिए हो जाएगा। क्या हुआ? ओ इधर बहुत दुख रहा है, ऐसे पैर ऐसा किया तो। बबीता जी वो सारा मैडम ने तो बालासन करने को बोला है, तो आप ये वज्रासन क्यों दिखा रहे? जेठालाल बालासन ऐसे ही किया जाता है, ऐसे वज्रासन में बैठकर। हाँ अरे यार भाई बबीता जी बोल रहे हैं उनको बोलने दो ना भाई, आप क्यों खामखा तपलीक ले रहे हैं, आप शांति रखो ना। हाँ हाँ बबीता जी, जेठा जी आपको बालासन करने के लिए वज्रासन में बैठना ही पड़ेगा। सुन लिया? शांति भाई शांत, दो मिनट शांति रखो ना आप। यार जेठा जी करेंगे। हाँ हाँ करेंगे भाई। जेठा जी कम ऑन आ जाइए, आप कर सकते हो। अच्छा ऐसे वजन आता है ना तो आगे बताइए, जल्दी आगे बताइए, आगे बताइए। हाँ आइए आइए स्ट्रेच कीजिए, हाथ को स्ट्रेच कीजिए। मेरे परम मित्र जेठालाल बड़े ही परेशान है सपनों की समस्या से, अंधाधुंध प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से इससे निजात पाई जाए, लेकिन हर हथकंडा बेकार। लेकिन डॉक्टर सारा ने अब उन्हें सलाह दी है, सुझाव दिया है, शवासन और बालासन।
डॉक्टर सारा का ये कहना है कि शवासन बालासन करने से चैन की नींद आएगी और जब चैन की नींद आएगी तो स्वतः ही ऐसे सपने आने बंद हो जाएंगे। तो योग में बड़ी शक्ति होती है, बहुत ताकत, बहुत सारी बीमारियों के इलाज छिपे हैं योग में, लेकिन इसके लिए नियमित अभ्यास करना होता है और जेठालाल ये अभ्यास आज से करने जा रहे हैं। देखना यह है कि शवासन और बालासन ही वो कुंजी है जिससे जेठालाल की समस्याओं का ताला खुल जाएगा। जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.